लाफ्टर चैलेंज का मेरा वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद में मोदी जी मेरे सपने में आने लग गए। सपने में आए अभी कल परसों ही आए। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा मोदी जी ये मैंने सुना है जो पड़ोसी देश है उनका प्रधानमंत्री बना है वो बहुत तेज फेंकता है। मोदी जी बोले श्याम रंगीला जी। पड़ोसी देश का पीएम भले ही तेज फेंकता हो लेकिन लंबी कौन फेंकता है। मोदी जी का सीना 56 इंच का है, मेरा आप देख रहे होंगे। नहीं, रियल में मेरा भी 56 इंच का ही है, क्योंकि मोदी जी की जो मिमिक्री करे वो 56 इंच वाला ही कर सकता है। अच्छा, ये बातें मैंने बोल दी, हो सकता है बीजेपी वाले भाई मेरे नाराज हो जाएं। तो राहुल जी के लिए वैसे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे पास एक दिन फ़ोन आया, बोले यार आप जब करते हो कॉमेडी तो आप राहुल जी को बेइज्जती करते हो, राहुल जी का मजाक उड़ाते हो, ये मत किया करो। मैंने कहा सर मैं नहीं उड़ाता हूँ, मैं खुद उनके खुद के 10 वीडियो आपको दे दूँ। बोले नहीं वो तो हम मानते हैं, आप मत उड़ाओ। मैंने कहा फिर ठीक है, फिर क्या दिक्कत है। हालांकि हम कॉमेडियन जो है, हमें कंपटीशन रियलमी दे रखा है, राहुल गांधी जी ने दे रखा है। मैं राहुल गांधी से पिछले दिनों मिला। अच्छा, इस हमारी मुलाकात के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको पता चल जाएगा वो वैसे ही हैं जैसे आप उनको समझते हैं। बस इतनी बात करें उनके बारे में। अच्छा, बाबा रामदेव जी के फैन कौन कौन है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। मतलब उनका सिस्टम ये लगा बाबा रामदेव जी का, एक तो इनकी योग कर करके बॉडी देखो कितनी मसल्स ने बना रखे हैं। मतलब मैं बहुत इंस्पायर हूँ उनसे, हंसते बहुत हैं, कुछ भी योग करो है, योग करो, योग करने से 10 करोड़ 8 लाख नाड़ियाँ शुद्ध होती है। कितनी? 10 करोड़ 8 लाख नाड़ियाँ। मैंने पूछा एक दिन, मैं कहा बाबा जी ये 10 करोड़ 8 लाख नाड़ी आप गिनते हो? नहीं मैं तो नहीं गिनता, लोग कौन से गिनेंगे। मतलब अलग ही मामला चल रहा है, एक उनका पतंजलि चल रहा है ना, इतना बहुत ज़्यादा। एक मेरा फ्रेंड है, तो मैंने उससे पूछा, मैं यार साबुन लेके आने है, कौन सी लेके आए? बोला पतंजलि की लेके आएंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई। मैंने कहा वॉशिंग पाउडर लेके आना है, पतंजलि का लेके आएंगे। मैंने ये भी बहुत बढ़िया भाई। मैंने कहा यार वो घर वाले मेरा रिश्ता दे रखे हैं, लुगाई लेके आनी है। बोले पतंजलि की लेके आएंगे। मैंने कहा पतंजलि की लुगाई? फिर मेरे दिमाग में आया मैं कि यार लुगाई पत्ते वत्ते बांध के तो नहीं आई कहीं, और आएगी तो भाई साहब मैं ठहरा गांव का, हमारे गाय भैंस भी होती है गांव में। तो मैं तो फिर मैं उसी दिन ठान लिया मैं कि शादी करनी नहीं है। बाकी बात रही राहुल जी की, तो बात तो करनी पड़ेगी। तो राहुल जी ने आरोप लगा दिया, देखिए देखिए भैया इन्होंने कहा था कि भैया बदलाव आएगा, लेकिन भैया बदलाव कहां है? हमें जवाब का सवाल चाहिए। अब मोदी जी बोले साहजादे जी हमने कहा था बदलाव आएगा, हमारे पीएम बनने के बाद में मुगल सराय स्टेशन का नाम में बदलाव आया कि नहीं आया? भाइयों बहनों, इसी प्रकार से हम व्हाट्सएप का नाम भी बदल के अटल बिहारी गुपचुप वार्तालाप योजना करना चाहते हैं। हम बदलाव में यकीन रखते हैं। मुझे जरा आपसे जवाब चाहिए, अगस्त महीना चल रहा है मतलब ठंडे दिन। भाइयों बहनों, हमने कहा था बदलाव आएगा, गर्मी से सर्दी हो जाएगी। तो ये भी बढ़िया सिस्टम है, मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। बाकी शरीर मेरा देख रहे हैं आप, मतलब लोगों की उम्र के साथ कपड़े छोटे होते हैं, मेरे ढीले हो रहे हैं। कहीं प्रोग्राम करने जाता हूँ, वो लाफ्टर चैलेंज में इतनी बड़ी फोटो आती है स्क्रीन में, तो उनको लगता है मोटा होगा बंदा, श्याम रंगीला कोई बड़ा आदमी आ रहा होगा। मैं आता हूँ, ड्राइवर को बोलता हूँ सर मैं ही हूँ, तो वो साइड में कर देते हैं, नहीं आप नहीं हो। फिर मैं फ़ोन करके कहता हूँ सर मैं ही हूँ, वो साइड में फ़ोन उठाता, अच्छा आप हो, ठीक है बेटा। एक को मैंने गया, मैं क्या सर
कैसे हैं? बोले ठीक है सर, आप कहाँ से हैं? मैंने कहा मैं राजस्थान से हूँ। बंदे ने गाड़ी रोकी, पानी की बोतल लाया बिस्लेरी की। मैंने कहा ये क्यों लाया? बोले मैंने सुना है राजस्थान में पानी नहीं है। मैंने कहा तो ये 2 लीटर की कमी थी। भाइयों बहनों, आपको अगर परफॉर्मेंस में मजा आया है तो आपके लिए एक योजना लेकर के आए हैं, 2S की योजना हम लॉन्च कर रहे हैं, आप उसमें सहयोग दीजिएगा। पहले S का मतलब है शेयर, दूसरे का सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।